ये है कि बनवील की बर्थडे है। बनवील को तो नहीं ना पता चला। आस्ता बोलो सो रहा है। पापा के दोस्त ने दावत की है भाई, मैं तो हैरान परेशान So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग मैंने क्यों स्टार्ट किया है, तो इसका एक मकसद है, वो मैं आपको बताता हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बनवील की बर्थडे है। बर्थडे तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि बनवील की बर्थडे तो गुजर गई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि उस दिन हो गई थी फोर्थ की, तो इसलिए हमने बनवील की बर्थडे नहीं थी की। तो गाइस, इसलिए हम बनवील को सरप्राइज देने लगे हैं। उसकी सोच में भी नहीं होगा कि हम उसको सरप्राइज देंगे। तो गाइस, मैंने सबको कहा था रेडी होने का। सो गाइस, देखते हैं कौन कौन रेडी हो चुका है, तो चलो। So guys, अभी हम किचन में पहुंच चुके हैं, तो मम्मा से पूछते हैं। हाँ जी मम्मा जी। हाँ जी बेटा जी। तो प्लान का सारा इंतजाम हो गया मम्मा? हाँ बिल्कुल हो गया बेटा। तो बनवील को तो नहीं ना पता चला? आस्ता बोलो सो रहा है, उसको नहीं पता चला। अच्छा, किधर सो रहा है? वो उधर अपने कमरे में सो रहा है। अच्छा, तो फिजा प्लान कैसा जा रहा है फिर? प्लान फर्स्ट क्लास। कपड़े सारे इस्त्री कर लिए? मैं तो रेडी हूं। कपड़े रेडी हो गए हैं। मम्मा तो रेडी भी हो चुके हैं। तो हर चीज है। मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? बाद में ये पता चले मेरे एक साइड की हो और एक साइड की ना हो, जैसे उधर किया था तुमने। तो बाबा वगैरह सारे रेडी हो रहे हैं। गाइस, अभी मम्मा से पूछते हैं कि बनवील को रेडी कैसे करवाना है और उधर लेके कैसे जाना है सरप्राइज वाली जगह पर। तो हाँ जी मम्मा जी। ये बेटा आप पता क्या करो, अपने पापा के पास जाओ। हाँ जी। उनसे प्लानिंग पूछो कि बनवील को कैसे वहाँ लेके जाए। तो मैं भी यही सोच रहा था कि बनवील को हम रेडी कैसे करवाएंगे। तो पापा से पूछते हैं। हाँ, पापा। सो गाइस, सब रेडी हो रहे हैं और सरप्राइज की प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी जा रही है। सो गाइस, अभी बनवील तो घोड़े बेच के सोया हुआ है, उसकी सोच में भी नहीं होगा ये सरप्राइज। तो चलते हैं पापा की तरफ और पापा से इस बारे में पूछते हैं। सो गाइस, अभी पापा आ चुके हैं और पापा से पूछते हैं कि बनवील को आखिर रेडी कैसे करवाना है और प्लान वाली जगह पे कैसे लेके जाना है। तो हाँ जी पापा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी पापा जी, अब बनवील को रेडी कैसे करवाना है और प्लान वाली जगह पे कैसे लेके जाना है? मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा कहते बाबा से पूछो। तो बेटे इस तरह करेंगे ना, हम उस भाई को कहेंगे ना, किसी ने दावत की हुई है। हाँ जी। ठीक है ना, मैं उसको मना लूंगा यार, आओ यार, तबीयत तो उसकी ठीक नहीं है, वो तुम्हें पता भी लेटा हुआ है। तो मैं उसे कहूंगा बेटे चलो आज हम ना एक दोस्त ने दावत की है उधर जाना है। हाँ जी। तो इस तरह उसको बहाने से ले जाएंगे ना। हाँ जी। तो वहाँ जाकर फिर उसको सरप्राइज देंगे। हाँ जी, जबरदस्त हो जाएगा ना। हाँ जी, फिर जबरदस्त हो जाएगा, सारा अरेंजमेंट होगी ना। हाँ जी। तो वहाँ फिर पट्टी बांधना उसकी आंखों के, पट्टी बांध कर जब सामने लेके जाएंगे ना, उसे कहना अभी नहीं पट्टी खोलनी, अभी नहीं खोलनी। वहाँ जाकर खोलेंगे ना, तो फिर वो हरा रह जाएगा देखकर कि ये किसने इतना अच्छा प्राइस दिया, मुझे सरप्राइज है। तो ऐसे तो फिर मजा ही आ जाएगा। हाँ, यस इंशाल्लाह, जबरदस्त। चलो अभी इस तरह करता हूँ ना, मैं नहा लेता हूँ ना, कपड़े भी चेंज कर लूँ, हमें भी रेडी शेडी पता लगे कि दावत पे जा रहे हैं ना। हाँ चले ठीक है, ओके है, ओके हो गया। चलो सो गाइस, सब रेडी हो रहे हैं और फिजा ने सबके कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं। सो गाइस, अभी मम्मा बनवील को उठाएंगी और उसको कहेंगी कि हमने दावत पे जाना है और वगैरह वगैरह, वो आपको हम दिखाते हैं। सो गाइस, अभी बनवील उठ चुका है, तो मैं इधर बैठ के ना उसकी चोरी छुपके वीडियो बनाता हूँ। सो गाइस, इधर मैं बैठ के ना इधर बैठ जाता हूँ और चोरी छुपके ना उसकी वीडियो बनाएंगे। अगर मैं मोबाइल हाथ में पकड़ूंगा ना, तो बनवील को शक हो जाएगा, तो मैं ना मोबाइल ना इधर सराहने के साथ रख देता हूँ और खुद ही उसकी वीडियो ना रिकॉर्ड होती रहेगी। तो इधर मैंने मोबाइल रख देता हूँ, तो बनवील ना फ्रेश वगैरह होके आ गया। सो गाइस, इधर मैंने मोबाइल रख दिया है, तो बनवील ना उठ गया था और फ्रेश वगैरह हो गया। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है, तो बनवील आने ही वाला है। ओए आ गया, आ गया। कितिया ना? ओ दावत की थी। अच्छा। पापा दे दोस्त ने पता नहीं, मम्मा ने पता, मम्मा ने बुला के पूछ लिया। मामा जी मेरा जाना इतना जरूरी है। अभी हमने बनवील को गेड़ी करा दी है, तो उसको पता नहीं चला कि सरप्राइज है। तो जब उसको हम सरप्राइज देंगे, तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। ओए आ गया, आ गया।
सो गाइस अभी मुझे मामा ने कहा है कि जाओ अपने मामू के घर और उधर से भाई तैमूर और भाई तलहा को भाई बिल की बर्थडे पे इनवाइट करना है तो उनको बता के आओ। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ उधर, तो उधर से आके आपको अपडेट देता हूँ। सो गाइस अभी मैं मामू के घर पहुंच चुका हूँ, तो इधर से भाई तैमूर और भाई तलहा को इन्वाइट करना है, तो चलते हैं भाई तैमूर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? सो भाई आज दिन है हमने बहन बिल को सरप्राइज उसकी बर्थडे का, तो आप इनवाइटेड हो उधर। ओके भाई, तो उधर आ जाना है आपने, पहले इकट्ठे नहीं निकलना हमने घर से, क्योंकि फिर उसको पता चल जाएगा ना, तो आप पहले पहुंच जाएं तो फिर हम पीछे ही आ जाएंगे। तो अभी मैं भाई तलहा को भी बता दूं। सो गाइस अभी हम भाई तलहा के रूम में पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरे? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? जी शुक्र है, आप सुनाएं। भाई तलहा वो ना आज हमने ना देना है बहन बिल को सरप्राइज उसकी बर्थडे का। अच्छा, वो कौन सी जगह पे? वो हेवन बाइट्स पे। अच्छा, बाजार। तो आप भी उधर इनवाइटेड हैं? ठीक है। आप और भाई तैमूर? ठीक है। तो आपने उधर टाइम से पहुंच जाना है पहले ही, क्योंकि फिर हम अगर इकट्ठे निकलेंगे ना तो बहन बिल को पता चल जाएगा। कितने बजे? अफ्तारी के बाद। अफ्तारी के बाद जाना? हाँ जी, अफ्तारी के बाद उधर पहुंच जाना है। अच्छा, तो उधर भी देना है बहन बिल को सरप्राइज। ओके हो गया। सो गाइस अभी मैंने भाई तलहा और भाई तैमूर को बता दिया, तो चलते हैं घर की तरफ और रेडी होते हैं। सो गाइस सब रेडी हो चुके हैं और बहन बिल भी रेडी हो रहा है, तो देखते हैं कौन कौन रेडी हो गया है और चलते हैं उनकी तरफ। हाँ सो गाइस अभी मैं भी रेडी होने लगा हूँ और बहन बिल भी फ्रेश होने चले गए हैं। हाँ, और एक और बात, अगर बहन बिल ने पूछा कि आप ये व्लॉग क्यों बना रहे हो, तो मैं बहन बिल को कहूंगा कि आज मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि हम दावत पे जा रहे हैं, तो इस तरह बहन बिल को शक भी नहीं होगा। तो रेडी होके मिलते हैं। हाँ सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मेरे जहन में एक बात आई है, क्योंकि जब भाई वलीद लोगों ने आना है तो बहन बिल क्या सोचेगा कि भाई वलीद लोग क्यों आए हैं, क्योंकि दावत तो पापा के दोस्त ने की है। तो अभी पापा से जाके पूछते हैं कि इसका क्या करना है, तो चलते हैं पापा की तरफ। तो अभी हम पापा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अस्सलाम। हां जी बेटा जी। पापा जी जब भाई वलीद ने आना है, हां जी, तो अगर बहन बिल ने पूछा कि भाई वलीद भी साथ जा रहा है, तो हम आगे से क्या कहेंगे फिर? बेटे वो इस तरह ना, भाई वलीद आया है बाजार। हाँ जी। उसके कॉल आई थी ना। हाँ जी। तो वो आपकी मम्मा लोगों को तो छोड़ देगा। उसके बाद जब छोड़ के इधर आएगा तो नबील कौन सा घर है? हाँ जी। वो तो फ्रेश होने गया हुआ है। जब वो वापस आकर पूछेगा ना वलीद किधर, तो हाँ हम कह देंगे यार बाजार आया हुआ था, इसको हमने कॉल की यार हमें उधर छोड़ दे। अच्छा, ये प्लानिंग अच्छी है पापा जी। जबरदस्त हो जाएगा ऐसे, तो फिर अच्छा हो जाएगा। सो गाइस जब हम व्लॉग शूट कर रहे होंगे तो बहन बिल ये तो लाजमी पूछेगा कि आप व्लॉग शूट क्यों कर रहे हो, तो मैं बहन बिल को कहूंगा कि आपकी तो तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं शूट कर लूं, क्योंकि हम दावत पे जा रहे हैं। तो ऐसे हम बहन बिल को गेड़ी दे के एक्टिंग करेंगे उसके साथ। सो गाइस अभी बहन बिल आ चुका है, तो हम अपनी चाल चलते हैं, चलो। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी बहन बिल भी फ्रेश होके आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम बहन बिल। वालेकुम अस्सलाम, व्लॉग बना रहे हो? हाँ जी भाई, मैंने सोचा आपकी तबीयत तो खराब है, मैं ही व्लॉग बना लूँ, आज दावत पे जा रहे हैं हम। हैं यार तबीयत तो डाउन है, वाह मतलब ये क्या बात है, हम लोग प्राउड प्राउड, गला खराब है मेरा, तो इस वजह से मैं कम बोल रहा हूं। हाँ, इसी वजह से मैंने कहा मैं बना लूं ना, बाद में बोल बोल के और खराब कर। सो गाइस आज का व्लॉग करूंगा मैं शूट। सो गाइस आज का व्लॉग मोहम्मद अली शूट कर रहा है, दावत की है अंकल जी ने। हाँ जी। फंटास्टिक। और अंकल जी ने दावत माशाल्लाह कहते अच्छी की है, मैं कहा चलो चलते हैं फिर। वैसे मेरी कोई तबीयत साथ नहीं दे रही थी जाने का, लेकिन चले कोई नहीं, अब जाके वहाँ पे देखते हैं। हाँ। सो मोहम्मद अली हैंडल करेगा सारा। यस, मेरे आज... नाल ले जाएंगे। हाँ। तेरी मेहरबानी। ले आऊंगा बस बस, चल 500 रुपया गाड़ केड़ा अब जुम्मी दा। ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? भाई वलीद अब जिक्र नहीं करना बहन बिल के साथ, आपको पता ही है कि बहन बिल को सरप्राइज देना है, तो गाड़ी में भी किसी को जिक्र नहीं करने देना, फुल सीरियस माहौल, मतलब दावत पे जा रहे हैं। अभी हम निकलने लगे हैं, निकलो सारे, रेडी हो जाओ। पापा भी आ गए, पापा भी आ गए, पापा भी आ गए, मैं भी रेडी हूँ, बस निकलने लगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो अभी हम निकल चुके हैं दावत के लिए, ये देखें बहन बिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई शहजाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप सुनाओ, फिट हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। हाँ जी वालेकुम बेटा जानी, कैसे जा रहे हो फिर? हाँ जी जा रहे हैं दावत पर। तुसी कहना लैदा जा रहे हैं? नाल ही जा रहे हैं। आज पापा के दोस्त ने दावत की है भाई, मैं तो हैरान परेशान है। अच्छा फ्रेंड है ना यार, क्यों रही हो फिर, तेरे को अपनी लगाव रख दा। चलो अच्छी गल, काफी दिनों तो कह रहे थे ना, चलो यार आज ना ओदी गल मान ही लिए। सो गाइस अभी हम दावत पे पहुंच चुके हैं, बहन बिल को भी कुछ नहीं पता चला, वो पीछे बातें कर रहा है। तो अभी होने लगी है बहन बिल की एंट्री, तो बहन बिल सोच रहा है कि बस मेरी एंट्री करवा रहे हैं, क्योंकि बहन बिल फेमस है ना, फेमस तो रहा है अपना, तो वो सोच रहा है कि अब उसकी एंट्री होगी, तो जब हम अंदर पहुँच जाएंगे तो फिर उसको मिलेगा सरप्राइज, और फिर उसको पता चलेगा कि एमएमएल वाली दावत नहीं है, ये सरप्राइज है। तो गाइस अभी होने लगी है एंट्री, तो मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और आपको दिखाता हूँ। आओ 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 आओ
सो गाइस अभी सारा सेटअप ओके हो गया है, तो अभी बाइक डील को है ना भाई शिलाद ने बापा में लगाया हुआ है, तो जब बाइक डील आएंगे तो उनका रिएक्शन देखने वाला होगा। एक बार आप सेटअप चेक करें। सो गाइस अभी बस बाइक डील आने ही वाले हैं, तो आपने बस रिएक्शन चेक करना है बाइक डील। ओके सो गाइस अभी मिलने लगा है बहनवीर को सरप्राइज। बहनवीर के होशो गुमान में भी नहीं है कि बहनवीर को ऊपर आके सरप्राइज मिलेगा, दावत की जगह हैप्पी बर्थडे का। सो गाइस अभी बहनवीर की एंट्री होने लगी है, तो बहनवीर का रिएक्शन देखने वाला होना है, तो अभी बहनवीर की एंट्री। हैप्पी बर्थडे मेरे पास अल्फाज नहीं है, चेक करो सेटअप चेक करो, बाकी बातें जबरदस्त कर लिया। हाशु आप भी बोल दो। मैं भी चलना नाल दावत, मैं भी चलना। मैं दस ना की गया अंकल सरदार ने दावत की थी, उसे चले तो मैं क्या अच्छा थैंक यू। आज केक कट करते हैं, चलो चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई नवीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग कर दो आशु, आशीष क्लैपिंग कर दो आशीष। ओए हैप्पी बर्थडे आशु की। चलो केक कट करो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear bhai Nabi, happy birthday. भाई चल क्या सारे सामने सोच ही लायो। happy birthday, thank you. happy birthday और reaction check करो। पहले कह रहा भाई साहब मैं कर दे मैं आते हुए बहुत रहेगी शहजादे सारे दे दो भावे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। क्या बात है। मैं भी कहा मोहम्मद अली आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं दावत पे जा रहा हूं, मैं दावत पे जा रहा हूं, बड़ी तेज चीज है कसम से जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू वेलकम।
गिफ्ट मिलने लगा है भाई। मिल गया मेरे लिए क्या? थैंक यू सो मच दीदी। दीदी ने गला तोड़े अपना। चलो चलो भाई, ये 5000 आपको देना है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जो भी यहाँ बैठे, उसामा, फरहान, फरहान की ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा अधिया स्टोरियां फरहान आप ही याद हो गई हैं, फरहान खुद ही याद होगी ना आपको सुन सुन के। थैंक यू मोहम्मद अली, थैंक यू तलहा भाई, क्या बात है भाई, तो लदिया मुझे आया है। थैंक यू सामा साहब, इरफान साहब, थैंक यू भाई तमूर, थैंक यू सो मच पापा जी, थैंक यू सो मच चोई साहब, चोई साहब मोस्ट वेलकम, चोई साहब आएंगे एंड पे। थैंक यू सो मच ब्रदर, मोस्ट वेलकम, और इंतजार नहीं हो रहा है देखो मोस्ट वेलकम को। सो अभी आने लगा ऑर्डर, अभी खाना खाएंगे और बहुत अच्छा सरप्राइज था, थैंक यू सो मच सबका। ये सारा प्लान मोहम्मद अली ने किया था, बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया। तो गाइस अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अभी हम खाना खाएंगे और फिर बाद में आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। हले मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जाके दोबारा वीडियो ना करिए, एकदम सही नहीं बनी है वो, मतलब सही नहीं बनी है भाई। दस भाई ने सही नहीं बनाई वीडियो। हाँ चल ठीक है, आने दे। सो गाइज खाना आने की देर थी कि सभी टूट पड़े खाने पे, और देख के सपना सफाया कर दिया। जब आया था खाना तब भी वीडियो बनाने नहीं दी, फौरन ही सबने शुरू कर दिया। ये देख के मासूम से चेहरे इनके, लेकिन खाना खाते हुए दरिंदे बन जाते हैं। सो गाइज ये सारा अरेंजमेंट आपने देखा, इतना प्यारा सरप्राइज, इतनी प्यारी हर चीज जो भी यहाँ पे मौजूद थी, जो भी सरप्राइज किया, जो डेकोरेशन थी, जो खाने की चीजें थी, वो सब कुछ किसने किया, किस इंसान ने? जनाब चौधरी शहजाद भाई, मैं कहता एंड कर दिया। वो पता लगना चाहिए समान रखे। अच्छा अच्छा तो थैंक यू सो मच भाई शहजाद, थैंक यू सो मच। हाँ वेख लो, ये तो भावें पसलियां भी खादियां होती वैसे है, चीज़ का भी बड़ा फायदा। ओके थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार, लेवल कर दिया लेवल। मेरे तो वैमो गुमान में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने कहा पता नहीं कौन सी दावत है, क्या सीन है, फैमिली सरप्राइज। अच्छा मुझे पता ही क्या था, अंकल सरकार ने दावत की है, मैंने कहा दावत, मैं पहले दिल में सोच रहा, मैंने कहा यार दावत की घर करते हैं या कोई रेस्टोरेंट हो रहा था, मैंने कहा यार ये मतलब हेवन बाइट्स पे दावत, मुझे अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था, लेकिन वो पक्का हो गया। मैंने कहा यार सरप्राइज, बाकी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, लव यू हो गया सबको, लव यू हो गया। टेस्ट एंड एंड लेवल टेस्ट मुक जाता है, जिहड़ा पिज्जा तुसीं अपने हत्थां नाल तैयार करदे टेस्ट मुक जाता है। क्यों सामने जी भाई, सामने मैं कह जेड़ा पिज़्ज़ा भाई सदा अपने हाथ ना बनांदा ना, ओते टेस्ट मुक जांदा फिर भाई, नांदे नहीं ना भाई सदा जाके एवें नहीं बनदे। हां बड़ी मेहनत करनी पैंदी है भाई, दसो यार तुसे अपने कोई गुड़ दसो, जगा करना पैंदा इकट्ठा करके अक्सर जैका ना, अक्सर जैका वाश में जमया होता है। वलीद नूं पता बड़ा स्पाइसी हुंदा, स्पाइस अप योर फूड। हां कसमे विदेश जाना सादा, विदेश देख, विदेश देख, इधर तो देख शर्मीला बच्चा। सो गाइस बहुत अच्छा व्लॉग हो गया आज का, लेवल हो गया, मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय व्लॉग, आप सबने प्यार बरसाना इतना अच्छे सरप्राइज पे। सो गाइज लाजमी सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है, ऐसे डेली व्लॉगिंग आएगी और लव यू सो मच। हाँ सो गाइज फाइनली हम घर आ चुके हैं और मोहम्मद अली तू बहुत वड्डी चीज है, बहुत ही तू वड्डी चीज है, तू मैं कहना छड़ तेनू, ये सारी प्लानिंग की थी इन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी प्लान थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सरप्राइज था, मजा आ गया, बहुत ही औसम सरप्राइज था और बहुत औसम सब कुछ था, लेवल कर दिया। अखी गुली रह गया, मैं यार ये सीन है, मैं लग रहा So guys, must subscribe my channel, share my vlogs. ऐसे प्यार बरसाना है आपने। अल्लाह हाफिज़।